छतर प्लेन पे जो है हमने तरबूज वगैरह तो मंड लिए सारे, अभी केले बचे हैं, आड़ू बचे हैं, और अभी ऊपर जंगलात भी दिखाएंगे चल के कि जंगलात में क्या क्या होता है, मतलब सही होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो अच्छा होता है सब कुछ, तो आगे देखते हैं। हाँ तो भाई वो छतर प्लेन का जो मैंने बताया था कि छतर प्लेन आज पहुँचने वाले थे और पहुँच गए, और हमने फ्रूट व्रूट भी खा लिया, अब चलते हैं। बेसिकली छतर प्लेन है क्या, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम जो है ना ये लग रहा है कहीं 2 बज रहे हैं अभी इस वक्त जो है वो 2 बज रहे हैं और बादल जो है ना वैसे हो रहे हैं कि बस ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइट बारिश होने वाली है। अब हम छतर प्लेन जल्दी से विज़िट कर लें, फिर शाम की तरफ निकलेंगे ताकि बारिश में ना फंसे हम लोग। चले आए छतर प्लेन दिखाता हूँ आपको। ऊपर चलते हैं, छतर प्लेन दिखाते हैं आपको। भाई ट्रैकिंग करनी है, तरफ बहुत ज़्यादा मतलब हाइट पर है, बहुत मज़े की जगह है, तो ऊपर चलते हैं ट्रैकिंग वैकिंग करके दिखाते हैं। और ठंड इतनी खूबसूरत हो रही है ना, इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है, बस क्या बताएं, और इतना खूबसूरत मंज़र है। हम ट्रैकिंग करते करते बना दे रहे हैं, और ऊपर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा घूम कर आते हैं। आओ जरा अब किसी का घर तो नहीं बना हुआ ऊपर। आओ जरा महल की जगह बना के चलो भाई, अब दिखाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ मुझे नज़र आई है, लोग यहाँ पर आके आई थिंक कुछ समथिंग, ये देखें दरख्त के अंदर किसी ने आग लगाई हुई है, और ये जड़ के अंदर तक आग लगी हुई है, ये देखें। और दरख्त जो है वो अंदर से पूरा खोखला हो रहा है, और कहाँ तक खोखला हो रहा है नहीं पता, बस कोई जानवर या परिंदा वरिंदा ना आ जाए, ये टेंशन हो रही है। दरख्त जला हुआ है, अंदर से पूरा जला हुआ है, और ये कहाँ तक खोखला हो रहा है, बस डर लग रहा है परिंदा वरिंदा ना आ जाए, तो इस वजह से ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन यार मंज़र देखो, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये चतर टाप के जंगलात, जिसको मैं आपको बड़े खूबसूरत तरीके से दिखा रहा हूँ, और ये दरख्त है ऊपर तक, ये सब दरख्त हैं ऊपर तक। सब दरख्त ही दरख्त हैं, दिखाता हूँ आगे का भी मंजर। मंजर बहुत सारे मंजर हैं, वो बाइक अगर नज़र आ रही है तो ठीक है। वो एक दरख्त देख रहे हैं आप, 2 दरख्त मैं आपको दिखाता हूँ और करीब से आके कि उन 2 दरख्त की क्या कहानी है। वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनके ऊपर कोई पत्ता नहीं है, कोई जड़ी बूटियाँ भी नहीं है। यार बहुत मज़ेदार मंजर है, यार बहुत मज़ेदार मंजर है बहुत ज़्यादा। और आपका भाई जो है ना वो इस वक्त फुल मज़े से घूम रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और ये दरख्त की कंडीशन देखें, ये दरख्त जो है वो बिल्कुल टॉप से लेकर नीचे तक कुछ नहीं है, इसमें 1 और 2 दरख्त, और बाकी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी हाइट देख लें। ये है भाई चत्थर टाप, चत्थर टाप के जंगलात हैं ये सारे। यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा तो दिल चाह रहा है यहीं सारी वीडियोज़ जो है ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें शूट कर लूँ, यहीं थंबनेल वगैरह भी सब चीज़ें। लेकिन यार बहुत खूबसूरत है हमारा मुल्क भाई, बहुत खूबसूरत मुल्क है। और फिर एट द एंड ये होता है कि हर वीडियो में, क्योंकि अब छतर टाप से मैं निकलने वाला हूँ, और छतर टाप से निकलने वाला हूँ तो
और मज़ीद इसके बारे में क्या लिखाऊँ, बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप बहुत अच्छा है यार, बहुत ज़्यादा। और कैमरा यकीन करें, कैमरा कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। कैमरे में खूबसूरती आ ही नहीं सकती है, जो अल्लाह ताला ने हमारी आँख में खूबसूरती दी है। जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, वो कैमरे में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ऐट द एंड छतर टॉप का व्लॉग यहाँ मैं करता हूँ एंड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दरख्त हैं और ऊँचे ऊँचे दरख्त हैं, और यहाँ से अब मुझे निकलना है ज़रूरी। अच्छा, निकलना क्यों ज़रूरी है, इसलिए निकलना है कि बादल जो है ना बहुत तेज़ ट्रैप कर रहे हैं, और अगर बारिश हो गई तो फिर हम पहुँच नहीं पाएंगे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे बटग्राम की तरफ, फिर वहाँ से चिलास जाना है। और अगर हम बिशाम तक अंधेरा हो गया तो हम बिशाम में रुकेंगे, वरना बिशाम से पहले एक गाँव है, हमें वहाँ स्टे करना पड़ेगा, हम वहाँ स्टे करेंगे। तो बट छतरपाट जो इसका छतर प्लेन का जो ब्लॉग है वो करता हूँ यहाँ पे एंड। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और यार इतना भाग दौड़ के तुम लोग अपनी वीडियो बनाओ, इन्जॉय मैं भी कर रहा हूँ, इसी बात में है। और साथ साथ एक नुकसान भी हो गया यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा आईफोन ब्रेक हो गया वीडियो बनाते में, गिर गया हाथ से। तो अब अनदर फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में सारे आईफोन से बनाए थे। पता नहीं है कि टंडो वाला एक टंडा डैम थी एक जगह, वहाँ का ब्लॉग मैंने बनाया है। अगर डेटा इसमें से रिट्राइव हो गया तो वो ब्लॉग ज़रूर डालूंगा, नहीं रिट्राइव हुआ तो फिर उसके लिए माजरत। लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं दूसरे मोबाइल से खींची थी मैंने। लेकिन जो है वो वजुआ करेंगे, आईफोन सही हो जाए मेरा। बस उतर रहे हैं अब हम चत्थर टॉप से, और ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, वहाँ बच्चे भी मौजूद हैं कुछ, लेकिन हम अपनी तो भाई सीन ये है कि इस रूट को ज़्यादातर बाइकर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो हम लोगों ने अलग से इसरटा बनाने का इरादा बनाया था, दैट इज़ द रीज़न कि हमने अलग से जो बनाया था तो इसलिए। वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो, क्या नाम है भाई तुम्हारा? अहमद। अहमद कैसे हो भाई आप? ठीक हो? आप कैसे हो? ठीक हो। और भाई अहमद कैसी है ये जगह, कैसी है, तुम्हें ठंड लग रही है? ठीक है। और इधर रात में जानवर वगैरह तो नहीं आते? आते नहीं, नहीं, सिक्योर है जगह जी। भाई अहमद भाई बता रहे हैं, अहमद भाई बता रहे हैं कि जगह सिक्योर है, ये यहीं पर रहते हैं और कोई जानवर वगैरह नहीं आते, तो बाइकर्स को भी यहाँ आना चाहिए मज़ीद। तो ये चीज़ है चंद्रगप से ना, इतने व्लॉग में इतना बोला ना मैंने चंद्रगप चंद्रगप, तो छत्तरगप भी हो जा रहा है मेरे साथ ना बार बार। तो ये छत्तर प्लेन से बस अब हम निकल रहे हैं, छत्तर प्लेन से। ये मेरी बाइक है और इसके ऊपर देख लें पूरे महीने का सामान लोड करके लाया हूँ मैं। तो छतर प्लेन का हो गया ब्लॉग, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत मज़ा आया आप लोगों को, और हो सकता है आप लोग बोलेंगे यार क्या दरख्त दरख्त पहाड़ पहाड़ दिखा रहे हो, बट भाई ये वो जगह है जहाँ पे नॉर्मल ज़्यादातर बाइकर्स इस तरफ नहीं आते हैं, वो दूसरे रूट से निकल जाते हैं। हम सिर्फ इस जगह का इसलिए हमने जो है विज़िट किया है कि नई 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 जगहें दिखाने के लिए। तो अगर आपको वाकई लगे कि मेरे चैनल पर ये चीज़ नई है और नई जगह है, तो भाई इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और इस रोड से आना छतर प्लेन देखना तुम लोग भी, बहुत खूबसूरत बहुत मासिव जगह। और ये खाली इतना सा नहीं है, ये पूरा रूट यहाँ से वहाँ तक पूरे रूट के ऊपर इस तरीके से बहुत हाइट्स पे दरख लगे हुए। तो बस यार यहाँ पे क्योंकि अब आ रही हैं गाड़ियाँ, तो अब निकलते हैं हमारी।